हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस समय विवाद खड़ा हो चुका है। सोनी मोनी ऑफिशियल चैनल है, जो गोरखपुरिया भाभी जी नाम से उसका एक और चैनल है, और वो यूट्यूब पे बहुत सारे अश्लील वीडियो डालती हैं, और उनके वीडियो बहुत सारे अश्लील टाइप के आते भी हैं, लेकिन उनके नज़र में अश्लील नहीं है। उनके नज़र में अश्लील एक होता है कि अश्लील का एक लिमिट होता है, और एक होता है कि वो एकदम से गंदगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका एक क्लिप दिखाना चाहूंगा कि अपने सफाई में वो क्या बोल रहे हैं, आप लोग देखिए। जोन तू करे लू ना कही लू वे हमू करते, लेकिन फर्क है मन में, फर्क ये कि हमारे पति और पत्नी है, ठीक है। हमन के जवान है भाग के ना आई नहीं, जितना भी YouTube पे चैनल बनत है सब, मतलब सब भाग के शादी कर लिया है, सब भाग के YouTube पे काम करत है। जैसे तुम लोग काम करते हो, जैसे हम लोग काम करते, सब असली पहले बनावत है, ओकरे बाद में बहुत अच्छा बन जाता है। हमन के कौन असली वीडियो है, कौन गलती हमन की करते है। अगर जो हमारी वीडियो असली दिख रही है आप लोग के पास, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूं, असली है तो आप लोग उस वीडियो को कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को पूरा जल्द से हटा देंगे, हर वीडियो पूरा साफ कर देंगे, और हम कोई दिक्कत नहीं, हम सब साफ कर देंगे। लेकिन बात रह गई, सब लोग वही किए हैं। अरे गोरखपुरिया भौजी, जो तू गाली देते हो हमके, हम डरत ना है तुमसे, हमके जनता वहां पहुंचोले है, तू के जहां पहुंचोले है जनता भी तू ही के पहुंचोले है। गोरखपुरिया भौजी समझ नहीं, आज तक 4-5 दिन से हमके खाना नहीं खाते, तू आज शादी जो है ना गोरखपुरिया भौजी, तुझसे क्या उम्मीद लग रहा है। हम सब शादी तुआ जानते दोनों के, तू तू नौटंकी बाजी हो, कबो तुआ चैनल गुम हो जाला, कबो तुआ बहुत दिन से हम वीडियो देखे नहीं, ठीक है। ठीक कैसे तुके जाना है, कबो चैनल गायब हो जाए, कबो मर्द गायब हो जाए, कबो कुछ गायब हो जाए। हमारे फ्रैंक अपने चैनल पर वैसा वीडियो ना डाले, पहली बात ये है, देख लिया अपना चैनल हमारा, ठीक है। हमन के भाग के ना आयल है, और जितना भी यूट्यूबर बाड़ा सब भाग भाग के आयल है। ये जो गुड़िया गोरखपुरी है काम करती है, इनके हिसाब से वो भी भाग के आई है, हम लोग काम करते हैं ये हम लोग भी भाग के आए हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो क्या सब भाग भाग के आए हैं। हाँ, अगर देखने में लगे तो ये मालती चौहान विष्णु राज है, वो जो भी कहें, लेकिन भाग के ना ऐसा मत बोलो कि सब लोग भाग के आए हैं और यूट्यूब पे। हाँ है, 50% से ज़्यादा कि भाग के आ रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, भाग के आए हैं, ये गलत बात बोल रही हो, समझ गए। सब लोग भाग के नहीं आए हैं, बहुत लोग हैं जो वीडियो बना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है भाग के आए। और ये क्या बोल रहे हैं, गोरखपुरिया हम भाभी जी हैं जो शादी करके आए हैं, भौजी का मतलब बोला भगेड़ा। आज से एक वर्ड आप लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए कि भौजी का मतलब बोला भगेड़ा, जो भाग के आई है, अब भाभी जी का मतलब बोला घर का। अब क्या बताएं दोस्तों, अब ये है इनकी सोच, और ये बोल रही हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो कोई भी गलत लगे तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम वीडियो ही हटा देंगे। तो तुम्हारा कौन सा वीडियो है जो अच्छा है? अच्छा, कोई भी आप लोग जाइए इसके चैनल पे वीडियो देखिए, अगर कोई भी साथ में भाई बहन बैठ के इसका वीडियो देख सकते हैं तो आप लोग बताइए। कमेंट ना करिए दोस्तों, रिपोर्ट जाके करिए, तुम लोग क्या उड़ाएगा, ऑटोमेटिक यूट्यूब तुम्हारा वीडियो उड़ा देगा, समझ रहे हो। अब बोल रहे हो कि हम लोग का कौन सा ऐसा वीडियो। हाँ, गोरखपुरिया भौजी का हो सकता है कि वो अपने पति को भगाई हो, या जो भी चैनल का नाटक हो, सब लोग कर रहे हैं आजकल, वो हो सकता है, उनसे हमें नहीं लेना देना। लेकिन जो ये बात बोल रही हो अश्लील अश्लील, तो अश्लील जो तुम कर रही हो उसको अश्लील बोलते हैं। थोड़ा बहुत या हल्का फुल्का सबका रहता है, कोई भी गाना अब एक हिसाब से देखने लगे कि जो भी भोजपुरी गाने पर बना रहा है वो सारे अश्लील ही हैं, क्योंकि भोजपुरियों का गाना ही ऐसा रहता है कि सारे अश्लील हो गए तुम्हारी नज़र में। हाँ, एक आप शब्द समझे ना कि भौजी का मतलब बोला भाग के आना, भाभी जी का मतलब बोला ब्याह कर। अभी कहत आना कि हम ब्याह कर के आई नहीं, तो जेकर मतलब जौन मर्जी तौन कर। अरे जौन मर्जी तौन कर, घर के अंदर कर, सबके दिखा के करब। हाँ, हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई सही से बनाइए, आपको उतने बड़े बड़े बच्चे हैं, आगे बड़े होंगे जब बच्चे वो वीडियो देखेंगे तो क्या क्या असर होगा। तुम बोल रहे हो तुम्हारा कोई वीडियो गलत नहीं है, तो सही क्या है, बनाइए आप साफ़ सुथरे कॉन्टेंट बनाइए। जो बोल रहे हो ना, सब गंदगी बना बना के ऊपर आए हैं। चलो हो गया ना तुम्हारा, अभी तक हो गया ना तुम्हारा, अब तो सुधर जाओ, अब सही से वीडियो बनाओ। अभी तो तुम हो गए ना, एक पे 6.5 लाख है, एक पे 4 लाख है, एक पे 1.5 लाख है ना, तो अब सुधर जाओ, अब सही से कंटेंट बनाना शुरू करो। और किसी को बोलने से पहले यार सोचो, अब गोरखपुरिया भौजी ने दिया हो धमकी या कुछ बोला हो वो तुम्हारे नज़र में है, लेकिन ऐसे गंदगी टाइप के वीडियो बनाना बंद करो आप। और ये बात जो आप बोले हो कि वो जो बोल रही है क्या प्रीति का जो है, ये बात तो सही है, वो तो बिना शादी के होली के दिन वीडियो डाला था कि प्रीति को लिया चुम्मा, अब बिना शादी के सब कुछ कर रहे हैं, और एक दिन वीडियो बनाया था कि बोल रहा है कि हम
हम इस प्रीति की कहीं और शादी होने वाली है, हम तो सिर्फ दोस्त है। दोस्त ऐसे कोई रहते हैं? हाँ, तुम तो यार बोलने से पहले अपना देखना चाहिए, किसी को बोलने से पहले अपना देखो कि क्या है, क्या हो तुम और क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? पहले अपना भी देखना चाहिए। और जो आप बोल रहे हो भाई सोनी मुनी के, तो आप वीडियो थोड़ा सही ढंग से बनाइए, अच्छा बनाइए, आगे चल के आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी इतना बड़े बड़े दिखा रहा ना, बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो फिर क्या असर पड़ेगा? कोई भी तुम्हारे बच्चे को ही तुम कोई दूसरा वीडियो दिखा के बोल रहे, देख तोर माई ऐसे करती है, देख तोर बकवा ऐसे करता, तो तुम्हारे बच्चों पर उस समय क्या गुजरेगी, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी। और सब कोई भाग के नहीं आया यूट्यूब पे, हाँ है बहुत लोग भाग के आए हैं, सब लोग भाग के नहीं आया हुआ है, ये बात गलत है, समझ रहे हो? अच्छा अब ये देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि आप अपने अंदर सुधार लाएं, बस एक दूसरे पे मतलब कटाक्ष करने के ऊपर है, एक दूसरे को बस बोलना। ये गुड़िया गोरखपुरिया को बोले कि वो अभी तक बच्चे का कसम खा रहा है कि अभी तक अपना गंदा वीडियो उड़ाया नहीं, और ये और वो इनको गाली दे रहा है कि बंद कर दे रहे, पानी चल जाए, ऐसे वैसे अंट संटो बना रहे। अरे एक दूसरे को ब्लेम करना और इल्ज़ाम लगाना बंद करो, आप अपने अंदर मतलब सफाई करो और अच्छा खासा वीडियो बनाओ, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा ये नहीं है, अभी इनका देखे ना, अभी एक और है जो नाम लिखा है गुड़िया गोरखपुरिया चैनल, उसने नाम रखा है, उसका भी आप लोग जाके वीडियो देखिएगा, तो सारा वीडियो ही ऐसा ही रद्द सद्द वीडियो है। तो आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो और वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाने में कोई मना नहीं है, लेकिन अच्छा खासा बनाओ। और आप जो बोल रहे हैं कि आप शादी करके आई हो ना, शादी करके आई हो तो ससुराल में ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही खोल के सबके सामने, ऐसे ही जो भी अनशन कर रही हो ऐसे ही वीडियो बनाया जाता है, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाओगी ऐसे ही बैठ के, और ये लग रहा है वीडियो बनाने की यहीं बैठ के मुतत थे, ऐसा अंट संट मत बनाओ। आप खुद देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि हमारा गलत वीडियो नहीं है, ठीक है, हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि आप सही से अच्छा खासा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और सबकी नज़र में आ रहे हो, तो आगे चल के तुमको बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना? तो बनाना है तो अच्छा खासा बनाइए और साफ़ सुथरा कंटेंट बनाइए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हमें लंबे समय तक रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आज आए और कुछ कमा लिए फिर उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि एक बार कोई यूट्यूब पे आता है ना, तो उसे कितनी बेइज्जती बदनामी कितने ताने सबका सुनने के बाद, उसके बाद फिर अगर कुछ कर ना पाए ना, तो भी अफसोस रहता है, क्योंकि जब कोई भी वीडियो चालू करोगे नात रिश्तेदार पर पटीदार सब बहुत कुछ बोलते हैं, समझ रहे हो? तो काम ऐसा करो आप कि कोई बोलने लायक ना रहे, अभी तक जो किए वो बहुत किए, अब से साफ सुथरा कंटेंट बनाओ, और किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले या किसी से कहने से पहले, हाँ आप अपने दम पे किए हो, अपने दम पे यही दम दिखा रहे हो आप, इस तरह के वीडियो बनाएगा तो कोई भी वायरल हो रहा है। हम लोग साला इतने डेढ़ डेढ़ साल से काम कर रहे हैं, अभी हमारे चैनल पे 70-72 हज़ार सब्सक्राइबर है, डेढ़ डेढ़ साल से काम कर रहे हैं, डेढ़ साल प्लस ही होने वाले हैं, अब जाके इतने ही सब्सक्राइबर हुए हैं, और आप कितने समय से आए हो, हमारी वीडियो देख लीजिए और आपकी वीडियो देख लीजिए, ऐसा नहीं है, अश्लील सब बना रहे हैं, भोजपुरी गाने पे जो भी डांस कर रहा है सब अश्लील है, क्योंकि गाने का लैंग्वेज ही और गाने का शब्द ही ऐसा रहता है। तो आप ऐसा वीडियो बनाओ गोरखपुरिया भौजी का या किसी का भी, आप जिस तरह से अब बोलने के लिए क्या बोले, बोलने के लिए अब कुछ ऐसा नहीं है, बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी बनाओ आप साफ सुथरा कॉन्टेंट बनाइए, बस और कोई सब कोई भाग के नहीं आया है, समझ गए हो? और भाभी जी का जो आप ये जो शब्द बताए हो ना कि भाभी जी का मतलब होता है बीह के आयल, और भौजी का मतलब होता है कि भाग भगेड़ी, ये बात तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि भौजी का मतलब बोला भगेड़ी और भाभी जी का मतलब बोला कि शादी करके आए। तो यूपी बिहार में सब सबके भौजी भौजी कहेला, एकर मतलब सब कुल भाग 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 के आयल है, हाँ सब भागे के आयल बा। अजय भाभी जी है हिंदी में वह शब्द कहा तो कर मतलब वो पतिवर्ता नारी है जो बिहार के आए लिए, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ उनका जो हुआ मैटर है। अभी गोरखपुरिया भौजी का नाम लेके क्या आप बोल रहे हो कि रिंकी राय तो एकदम गंदा नाम है। चलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते, बस इतना कहेंगे भाई जो भी हो आप सही वीडियो बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए अगर लंबे समय तक चलना है तो, नहीं तो ऐसे सबके नज़र में गड़ जाएंगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, ठीक है?
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है, आपका कोई किसी का भी वीडियो, मेरी भी वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती या अश्लील वीडियो हो, किसी की भी हो, आप लोग तुरंत जाइए और रिपोर्ट मारिए। बाय बाय दोस्तों।